मतदान की तैयारी प्रदेश में जोरों पर है। 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए विभिन्न पोलिंग बूथ पर ड्यूटी लगाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान सामग्री वितरित की गई। मतदान को लेकर दलों में शामिल महिला कर्मियों में विशेष उत्साह नजर आया। 1116 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी, जिससे कोई भी किसी भी प्रकार का माहौल न बिगाड़े। कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मतदान के 24 घंटे पहले जिलों की बॉर्डर सील कर दी गई है। वहीं पुलिस भोपाल के सभी मुख्य मार्गों पर सख्ती से जांच कर रही है। सभी आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है बैरिकेड लगाकर, और उसके रिकॉर्ड मेंटेन किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरे जिलों से आने वालों की रिकॉर्डिंग भी जारी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान दल सामग्री लेकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। भोपाल की 7 विधानसभा क्षेत्रों में 2049 ईवीएम एवं वीवीपैट का उपयोग होगा। अतिरिक्त रूप से 20% कंट्रोल और बैलेट यूनिट के अलावा 30% वीवीपैट रिजर्व रखी गई है। जिले में 300 आदर्श और 111 महिला मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीट है, और इस विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी इसका सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि किसने ज्यादा मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच अधिकतर सीटों पर दो तरफा लड़ाई होगी। हालांकि आम आदमी पार्टी भी इस बार सभी 230 सीटों पर लड़ रही है। कुछ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और सपा ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। इन सभी सीटों के लिए 17 नवंबर को यानी कि कल मतदान होगा और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित हो जाएंगे। करीब 2 दशक से मध्य प्रदेश में शासन चल रही भाजपा ने सबसे पहले उम्मीदवारों का ऐलान किया था। भाजपा ने इस बार कई सीटों पर सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को उतारकर इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी।